हेलो फ्रेंड्स, अस्टिच होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुराने ट्रैक पैंट से स्पोर्ट्स ब्रा बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने स्ट्रेचेबल ट्रैक पैंट लिया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ड्राफ्टिंग हम चार्ट पेपर पर करेंगे। इसके लिए मैंने यह चार्ट पेपर लिया है। इसे दो बार इस तरह से फोल्ड करके इसे हम फोर लेयर में सेट कर लेंगे। अब इसका लेंथ का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं टोटल लेंथ 13 इंच रख रही हूँ और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे अपर एंड लोअर स्टिचिंग के लिए, तो 14 इंच होगा। और इसमें 1 इंच का बेल्ट हम अलग से अटैच करेंगे, तो इसमें 1 इंच माइनस करेंगे, मतलब 13 इंच लेंथ लेकर मार्क करूंगी। शोल्डर मेजरमेंट के लिए 5 इंच पर मार्क करें और आर्म होल के लिए आपका जो भी शोल्डर हो उसका हाफ लेकर मार्क करें। जैसे यहाँ पर शोल्डर 15 इंच है, उसका हाफ 7.5 इंच हुआ, तो मैं आर्म होल यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। आपका जो भी चेस्ट राउंड है उसका चौथा भाग करके उसमें हाफ इंच कम करें, क्योंकि ट्रैक पैंट हमारा यहाँ पर स्ट्रेचेबल है। सो यहाँ पर चेस्ट राउंड 34 इंच है, तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच हुआ और उसमें हाफ इंच कम करेंगे तो 8 इंच पर मार्क करूंगी और हाफ इंच रखूंगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और वेस्ट राउंड पर भी वेस्ट राउंड का चौथा भाग करके उसमें हाफ इंच कम करके मार्क करें और हाफ इंच रखें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को लाइन बनाकर ज्वाइन करें। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट पॉइंट पर भी लाइन बनाकर ज्वाइन करें और यहाँ पर आर्म होल का शेप दें। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व के द्वारा आर्म होल का शेप दे रही हूँ। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। नेक विथ के लिए यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करें और बैक नेक के लिए 3.5 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर बॉक्स बनाकर नेक का शेप दें। यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करें और मार्क करने के बाद बैक आर्म होल का शेप इस तरह से दें। चेस्ट पॉइंट से होते हुए इसे 3 इंच वाले पॉइंट को मिलाकर शोल्डर पॉइंट तक मिलाएं। यह हमारा बैक आर्म होल का शेप हुआ। अब यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और इसके ऊपर भी हम 4 इंच पर मार्क करके यहाँ पर राउंड में शेप दें और यहाँ पर इस तरह से कर्व लाइन बना लें। यहाँ तक मार्किंग हमारा कम्प्लीट हो गया है। फ्रंट नेक का मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले इस मार्किंग के अनुसार इसे हम कट कर लेंगे। से कट करके दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। अब यह हमारा फ्रंट पैनल होगा। फ्रंट पैनल का नेक का कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम बैक पैनल का नेक का कटिंग, उसके बाद आर्म होल का कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस मार्किंग के अनुसार भी कट कर लेंगे। अब यहाँ से इस पार्ट को कट करके भी अलग कर लेंगे। यह हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इसे हम अलग कर लेंगे। ये नीचे वाला पार्ट को हम रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का नेक का कटिंग करेंगे। सो नेक विथ के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और नेक डेप्थ के लिए 6 इंच पर मार्क करके यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद राउंड में नेक का शेप दें। अब इसे कट कर लें। अब यहाँ पर इस तरह से एक मार्क कर लें। यह मार्किंग हमने क्यों किया है यह मैं आगे बताती हूँ। अब ट्रैक पैंट को लें और ट्रैक पैंट के ऊपर ड्राफ्टिंग पेपर जहाँ भी सेट हो रहा हो वहाँ इसे रखकर पिनअप करके इसके अकॉर्डिंग कट कर लें और इस छोटे वाले पीस के बाहर के साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर मार्क करें। अब ड्राफ्टिंग पेपर के अनुसार इसे कट कर लें। यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है इस मार्किंग के अनुसार नीचे का एक लेयर और फैब्रिक हम कट करेंगे और इस पार्ट का कटिंग हम ट्रैक पैंट के इस साइड से करेंगे। इसका कटिंग हमने कम्प्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं फ्रंट पैनल के लिए हमने इस मार्किंग के अनुसार नीचे का डबल फैब्रिक कट किया है। अब इसका स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट के दोनों लेयर को आपस में ज्वाइन करेंगे। सो इसके लिए ऊपर वाले पार्ट को हम लेंगे और इसे सेंटर से फोल्ड करके डबल लेयर में सेट करेंगे। उसके बाद आर्म होल के साइड पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और सेम मार्किंग यहाँ नीचे भी करेंगे और उसके बाद दोनों पॉइंट को तिरछी लाइन बनाकर मिला लेंगे और इसे फिर कट कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम स्टिच करेंगे। इसके लिए 2 इंच चौड़ी यह मैंने स्ट्रिप लिया है। स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके डबल लेयर में सेट किया है। अब स्ट्रिप को फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर यहाँ पर रखेंगे और स्ट्रिप का ओपन पार्ट हम बाहर की ओर रखेंगे और थोड़ा स्पेस लेते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से स्ट्रिप को दूसरे साइड भी अटैच करें। स्ट्रिप को दोनों साइड अटैच करने के बाद स्ट्रिप को ऊपर की ओर लाएं। उसके बाद स्ट्रिप के ऊपर से एक टॉप स्टिच करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों साइड स्ट्रिप अटैच कर दिया है। अब स्ट्रिप का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। सो इस पार्ट को हम अब मेन पैनल से अटैच करेंगे। सो इसके लिए मेन पैनल और इस पार्ट को भी हम राइट साइड ऊपर की ओर रखेंगे, फिर दोनों पैनल को अच्छे से सेट करेंगे।
और सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरह से होते हुए स्टिच करें और यहाँ पर दोनों साइड इस पार्ट को हम ओपन रखेंगे। आप देख सकते हैं दोनों पैनल को अटैच कर दिया है और यहाँ पर हमने इस पार्ट को ओपन रखा है। अब इसके हम नेक राउंड बनाएंगे। नेक राउंड बनाने के लिए भी हमने 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप लिया है और स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके डबल लेयर में सेट किया है और इसे भी हम नेक राउंड से इस तरह से मिलाते हुए रखकर नेक राउंड के चारों तरफ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हमने साइड का स्ट्रिप ज्वाइन किया है, सेम प्रोसेस से हम नेक राउंड का भी स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे। अब देख सकते हैं फ्रंट पैनल का, साइड का और नेक राउंड का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पैनल पर वर्क करेंगे। यह पार्ट हमारा नीचे वाला स्ट्रिप है। अब स्ट्रिप के ऊपर साइड पर भी हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पैनल पर स्ट्रिप को अटैच किया है, सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर भी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। नीचे वाले आर्क पर भी सेम प्रोसेस से स्ट्रिप को अटैच करें। आप देख सकते हैं मैंने नीचे वाले आर्क पर स्ट्रिप अटैच कर दिया है और इस पार्ट के माउथ पर भी हम स्ट्रिप को अटैच कर चुके हैं। अब इस पार्ट को हम नीचे के आर्क से हम बॉटम राउंड से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। अब इसके नेक राउंड पर भी हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पैनल पर नेक राउंड पर स्ट्रिप अटैच किया, सेम प्रोसेस से यहाँ भी स्ट्रिप अटैच करके नेक राउंड का स्टिचिंग कम्प्लीट कर लें। उसके बाद दोनों पैनल को शोल्डर से ज्वाइन करें। शोल्डर का स्टिचिंग कम्प्लीट करने के बाद अब इसके दोनों साइड आर्म होल पर भी स्ट्रिप ज्वाइन करके आर्म होल का स्टिचिंग कम्प्लीट करें। आर्म होल का स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब दोनों पैनल को आपस में मिलाकर रखें और एक साइड से स्टिचिंग मार्जिन से होते हुए इसे स्टिच कर लें। एक साइड से इसका स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब इसके बॉटम राउंड से इलास्टिक अटैच करेंगे। सो इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी यह इलास्टिक लिया है और इलास्टिक अटैच करने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी यह स्ट्रिप लिया है। अब स्ट्रिप को इसके बॉटम राउंड पर रॉन्ग साइड से मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए बॉटम राउंड से चारों तरफ से स्टिच करके अटैच करें। आप देख सकते हैं स्ट्रिप को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब स्ट्रिप एक साइड का थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करते हुए यहाँ इसके स्टिचिंग मार्जिन पर रखकर इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच करें। यहाँ मैंने बॉटम राउंड का स्टिचिंग कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक को लें और इसके दोनों एंड को पकड़ कर खींचे। खींचने के बाद यहाँ पर एक साइड कर्व बनता है। इसे बॉटम राउंड से अटैच करते समय नीचे की साइड रखें। सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इलास्टिक को डालें। इलास्टिक को डालने के बाद इलास्टिक के दोनों एंड को सेफ्टी पिन के द्वारा फिक्स कर लें। उसके बाद साइड से इसका स्टिचिंग करके इसका स्टिचिंग कंप्लीट करें। इसका स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ इस ओपनिंग के द्वारा इसके अंदर हम कप अटैच करेंगे। सो कप को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ धीरे से इसके अंदर पुश कर लें। सेम तरीके से दूसरे साइड कप को डाल लें, फिर दोनों कप्स को थोड़ा इधर उधर करके सेट कर लें। बिना कप डाले हुए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बट कप डालने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। दोस्तों यह ट्रैक पैंट काफी स्ट्रेचेबल था, तो सिलने के समय काफी ये फैल गया था। इसके लिए मैंने यहाँ पर चेस्ट राउंड पर और ऊपर शोल्डर पॉइंट पर 1/2 इंच फैब्रिक और अंदर फोल्ड करके मैंने स्टिच किया है। अगर आपका ट्रैक पैंट भी ज्यादा स्ट्रेचेबल हो और सिलते समय फैल गया हो, तो आप भी अपने साइज के अकॉर्डिंग चेस्ट राउंड पर और शोल्डर पॉइंट पर थोड़ा कपड़ा अंदर की ओर स्टिच करके दबा लें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप सबको कैसा लगा है और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।